के दिल्ली पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सबको समझ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी 70 विधायक हाईकमान की बात से आधे इंच भी इधर या उधर नहीं जाएंगे और आलाकमान का हर फैसला मानेंगे। टीएस सिंहदेव ने ये बात साफ कर दी है क्योंकि कई ऐसी और आशंकाएं और सवाल की इतनी बड़ी तादाद में आखिर कांग्रेस विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा क्यों। ऐसे में टीएस सिंह से जब सवाल किया गया उन्होंने कहा कि जो भी फैसला हाईकमान का होगा पूरे कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ में उसे मानेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे। राजनीतिक परिवेश के सब साथी हैं तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कोई भी काम करता है तो राजनीति जुड़ जाती है। मैं दिल्ली गया तो उसमें भी राजनीतिक भाव आ जाता है कि भले सिस्टर के जन्मदिन के लिए गए थे, इन लोग भी गए हैं। 90 में 70 की सरकार कभी अस्थिर नहीं हो सकती और ना ये होगी, और सबको ये मान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये 70 के 70 जो कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं ये हाईकमांड की बात के ना आधा इंच इधर जाएंगे ना आधा इंच उधर जाएंगे, सब हाईकमांड की बात पे ही रहते हैं और काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं कल भी करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ही विधायक बृहस्पति सिंह ने उधर बीजेपी की कांग्रेस की राज्य सरकारों को अस्थिर करने का बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी ने ग्वालियर के महाराजा को निशाने पर लिया, फिर पंजाब के महाराजा का रुख किया और अब बीजेपी के टारगेट पर सरगुजा के महाराज यानी कि टीएस सिंहदेव हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा है और ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बृहस्पति सिंह हैं, कांग्रेस के विधायक हैं छत्तीसगढ़ से। आप लोग कह रहे हैं कि निजी यात्रा है लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रायपुर में न जुटकर आप लोग दिल्ली में जुटे हुए हैं, क्या आलाकमान को संदेश दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन न होना चाहिए अगर कोई संभावना भी हो तो? आला कमान की संदेश देने की बात कहाँ से आ गई? मैंने पहले भी कहा कि भगवान अपने भक्तों की बात सुनता है, भक्त अपनी बात जब चाहे भगवान को रख सकता है, कार्यकर्ता अपनी नेताओं को अपनी बात रख सकता है जब चाहे रख सकता है, उनके कभी नेता अपने कार्यकर्ता से नाराज नहीं होता। पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने टारगेट किया महाराजा को, ग्वालियर की महाराजा को, मध्य प्रदेश हमारी अच्छी चल रही सरकार को इन लोगों ने गिराने का काम किया, इसके बाद इन लोगों ने पंजाब के महाराजा की ओर रुख किया, वहाँ भी ने अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। दूसरा आपको बता दो, सरगुजा महाराज को मध्य प्रदेश में लोग छत्तीसगढ़ में लोगों ने टारगेट किया है, छत्तीसगढ़ के महाराजा के ऊपर टारगेट किया है, उनके ऊपर उनके समर्थकों के माध्यम से लगातार गुमराह कर रहे हैं, उनके समर्थकों से अलूल जलूल बयान दिलवा रहे हैं और लगातार खुद RSS के लोग तरह तरह के मीडिया में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ से पता कर लीजिए, RSS के लोग ये वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, विशेष में चला रहे हैं। लेकिन बीजेपी RSS चाह रही है कि आप ही के पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, ये बीजेपी RSS चाह रही है या टीएस सिंहदेव चाहते हैं? देखिए RSS ऐसा षड्यंत्र रच रही है लेकिन सरगुजा का महाराज बहुत होशियार है, विद्वान है, ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कह चुका है कि 100 जन्म में भी हम अलग जाने की बात सोच नहीं सकते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान पर एक बड़ी खबर ये भी, आदित्य राय ये खबर दे रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 और विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी माने जाने वाले देवेंद्र यादव भी शामिल हैं। शाम तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिल्ली पहुंचने वाले विधायकों की संख्या 55 तक पहुंच सकती है। भूपेश बघेल खेमे में बड़े नेता निगम मंडलों के अध्यक्षों को भी अब दिल्ली आने की खबर लगातार आ रही है। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 20 विधायकों ने एक सुर में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलों को बेबुनियाद करार दिया। इनसे बात की हमारे सहयोगी नीरज ने। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक इस वक्त दिल्ली में हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये उनकी निजी यात्रा है लेकिन विधायक जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जुट जाए तो इसे निजी यात्रा के तौर पर नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ की सियासत में अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जिससे विधायक के मन में जरूर एक आशंका है, संदेह है। ये 25 विधायकों की संख्या है, इस वक्त 21 से 22 लोग यहाँ मौजूद हैं। विजय घाट के बाहर इस वक्त News18 India की टीम है और तमाम विधायकों को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत
कि जो नब्ज है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव खेमे के बीच खींचतान है मुख्यमंत्री पद को लेकर, उस पर बातचीत करते हैं तमाम लोगों से। पहले बृहस्पत सिंह से बात करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं और न्यूज 18 इंडिया पे पहले भी साथ में थे। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहले राजघाट गए, विजय घाट गए, ये मसला है क्या? कुछ पक रहा है अंदर? बदलाव होने वाला है क्या? कहीं से दूर दूर तक बात नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी नेताओं ने तीन हिंदुस्तान के तीन राजाओं को टारगेट किया हुआ है। एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर महाराजा को, दूसरा पंजाब के पटियाला महाराजा को और तीसरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराजा को, जिसमें आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा हमारा बहुत अच्छा सरकार चल रहा था, महाराजा ग्वालियर को गुमराह करके वहाँ हमारी सरकार को गिराने में लोगों ने किया है काम। दूसरा हमारा पटियाला, तो पंजाब में तो सरकार बदल गई, नेतृत्व बदल गया, पटियाला महाराजा को भी इन लोगों ने गुमराह करके अस्थिर करने का प्रयास किया है। तीसरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराज को, टीएस सिंहदेव को गुमराह करके इन लोगों ने अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। लेकिन सरगुजा महाराजा बहुत विद्वान है, होशियार है, वहाँ कहीं से दूर दूर तक ऐसी संभावनाएं नहीं है। आम विधायकों से बातचीत करेंगे एक एक करके, सबसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। चंद्रदेव जी हैं हमारे साथ, विधायक भी हैं और संसदीय सचिव भी। पिछली बार भी करीब 55 से 60 लोग जुटे थे पार्टी के पदाधिकारी और विधायक, तो मामला तब सुलटा नहीं। और आपके मुख्यमंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है सीनियर पर्यवेक्षक की, तो क्या यहाँ की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, ऐसा लगता है क्या? देखिए, आपने दोनों बात कह दी। पिछले बार 60 से 65 विधायक जो आए थे उसी समय स्पष्ट हो गई, और आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इससे और स्पष्ट हो गई कि भूपेश बघेल एकलौता किसान नेता है और ओबीसी फैक्टर से बिलोंग करता है और बड़ा चेहरा है, पूरे देश में एकलौता किसान नेता है और छत्तीसगढ़ के एकलौता ऐसा नेता जो किसानों को 2500 रुपये कुंटल में धान खरीद रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एकलौता छत्तीसगढ़ राज्य है जहां किसान हित में लगातार काम हो रही, कर्जा माफी से लेकर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी है ताकि वहाँ किसान उनसे प्रेरित हो, उनसे कुछ सीखे, और उस स्टेज में जब इतना बड़ा चेहरा वहाँ जाएगा तो निश्चित ही वहाँ भी बदलाव हो। राम कुमार यादव जी, ये बताइए कि बड़ी जिम्मेदारी वहाँ दी गई है, यहाँ के कामकाज से खुश होकर, छत्तीसगढ़ के कामकाज से खुश होकर क्या आने वाले दिनों में परिवर्तन कर सकते हैं जैसे पंजाब में किया कांग्रेस ने? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी में इतना नेतृत्व क्षमता है, 90 विधानसभा में तमाम मोदी जी के रोकने के बावजूद भी 90 में 70 देता हो। अभी असम में भी डिप्टी उनको लगाया गया था, और हमारे जैसे देखते हैं, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, हम पुलिस में भर्ती होते हैं और जब हम सब इंस्पेक्टर में भर्ती होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उसको TI बनाया जाता है। उसी प्रकार से आज यहाँ पर हमारे जो है इस देश के राहुल गांधी जी, जो हमारे भावी प्रधानमंत्री जी हैं, सोनिया दाई हैं, ये भूपेश बघेल जी के जो काम को चमका देख करके, जिस प्रकार का भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं प्रदेश में, आज उसको चेहरा बना करके आज देश में घुमा रहे हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। ऐसे यानी नहीं बदलने चाहिए आप कह रहे हैं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे काम करने वाले को कौन बदलेगा? बस्तर क्षेत्र के विधायकों से बातचीत करेंगे, मैम आप लोग से भी बातचीत करेंगे, तमाम लोगों की राय लेंगे। आप चाहते कि भूपेश बघेल ही बने रहे? निश्चित रूप से भूपेश बघेल 5 वर्ष नहीं, वो 20 साल तक बने, 20 साल तक बने रहे। आप क्या चाहेंगे सर? बिल्कुल, ये अभी जो सशक्त नेतृत्व है तो इसके आधार पे तो कोई कह ही नहीं सकता, और ये जो केवल बीजेपी वालों का एक बीजेपी की साजिश है। सरगुजा इलाके से कुछ लोग हमारे साथ हैं, विनय जी आप जिस इलाके से भी आते हैं, क्या वहाँ नेतृत्व ऐसी बात क्यों हो रही है कि TS सिंहदेव बन सकते हैं या भूपेश बघेल बन सकते हैं, तो भूपेश बघेल हट सकते हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, हमारे हाईकमान ने 5 साल के लिए बनाया है, वो पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ये एहसास कर रहे हैं कि पहली बार हमारे बीच में गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सोचने वाले हमारे माननीय भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे, महिला आवाज क्या है, महिला विधायकों की आवाज क्या है अंदर? एक ही आवाज़ है, हमारे छत्तीसगढ़ का जन नेतृत्व का बागडोर हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, वो बना रहे और आगे भी 5 साल ही क्यों, आगे भी जब तक हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वही बने रहे। और कुछ विधायक जुटेंगे आप लोग के साथ अभी अगले 1-2 दिनों में? हाँ बिल्कुल, आ रहे हैं, और भी विधायक हैं, और रात में भी पहुंच जाएंगे, कल सुबह भी आ जाएंगे बहुत से विधायक। तो अगर आप लोग की आवाज़ ले, तो आप लोग चाहते हैं कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहे? बिल्कुल बिल्कुल, और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ऐसा काम हुआ है और उसका प्रतिसाद उसके कामों का आज मिला है, तो निश्चित ही आज उसके नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, यही आप भी चाहती हूँ?
बिल्कुल मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी, जन जन के नेता है, किसानों के नेता है, और किसानों के लिए जितना काम किया आज तक विश्व के कोई भी मुख्यमंत्री ने। और कोई नेताओं से आप मिलेंगे, पार्टी आला कमान से मिलेंगे आप लोग? अब वो तो समय बताएगा, समय बताएगा, मिलेंगे आप लोग। हम सभी विधायक का राय आपको स्पष्ट दिखा होगा कि सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ सरकार इतने बहुत शांतिपूर्वक गरीब को, अमीर को, किसान को, बड़े व्यापारियों को, सबको लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री हैं, जो आज की स्थिति में 90 सीट में 70 सीट कांग्रेस का मजबूती सीट पे आई हुई है, और कहीं पे चूक नहीं होना है, मुख्यमंत्री बना हमेशा भूपेश बघेल जी रहे। द्वारकाधीश जी आप क्या कहेंगे? देखिए माननीय, हम तो दिल्ली घूमने घामने आए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ऐसे घूमने थोड़े आते, पहले तो कभी नहीं आए थे, पिछली बार जब 50 लोग जुड़े तो AICC दफ्तर में थे, पहले भी आए हैं, ये अलग बात है कि उस समय आप नहीं आए। और कहीं ना कहीं मीडिया इस बात को तुल दे रही है ढाई ढाई साल की, कि कांग्रेस के इतिहास में मेरा जो पहली बार चुन के आया हूँ, लेकिन ऐसा तो आज तक के कभी नहीं हुआ है। और कांग्रेस हाईकमान की विश्वास और जनता के विश्वास, जनप्रतिनिधियों के विश्वास सर्वविदित है। कांग्रेस हाईकमान की विश्वास हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर है। असम में भी उनको जिम्मेदारी दिया गया, यूपी में भी दिया गया है। अगर समूचे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उपदेश में अगर कोई काम हो रहा है तो आप जाके देख सकते हैं, आप भी मीडिया के माध्यम से इस बात से अवगत होंगे। किसानों को अकाल की स्थिति में बेघर फसल बेचे 9000 एकड़ का ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए थे। मजदूर भाइयों का पंजीयन शुरुआत हो चुकी है, 6000 रुपये मजदूरों को वार्षिक में दिया जाएगा। और नेतृत्व बदलना चाहिए या नहीं?